एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आर डूइंग वेल सो सी डे टू डेड के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लिखे आई ऑलरेडी आई वेज क्लियर ऑल सी डे टू डेड एंड अदर एग्जामिनेशन सो प्लीज़ क्लियरली ये सब पढ़ी एंड इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करी तो इट्स गुड फॉर यू प्रिपरेशन एंड फॉर योर

तो आंसर इज नॉर्मेटिव साइंस पूरा आपको क्लियरली मैंशन है दैट इज द नॉर्मेटिव साइंस बिकॉज क्यों बोला गया एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला गया साइकोलॉजी इट इज़ बेस्ड ऑन योर ब्रेन एंड मेंटल एक्टिविटीज सो अप्लाइड साइंस में भी जो भी आप एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप ब्रेन पॉजिटिव साइंस में भी आप क्या करते हो पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू वर्क करते हो एंड ग्रोइंग एंड डेवलपिंग साइंस में भी सेम वे में चलता है बट नॉर्मेटिव साइंस इज ऑलरेडी फिक्स टाइप एंड हेयर नॉर्म्स आर फिक्स्ड यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो फिक्स रहते हैं इसलिए ये यहाँ पे ट्रू नहीं है

और दे आर द नॉलेज फिलोसॉफर हम उसको मेंशन कर सकते हैं बिकॉज उन्होंने नॉलेज को बढ़ाया था एंड एवरी पॉइंट पे नॉलेज को एक्सप्लेन किया था तो उसके बेसिस पे साइकोलॉजी रिलेटेड अगर हो गया तो दैट इज़ अ साइंस ऑफ माइंड में साइको एनालिस्ट है जो कि एनालिसिस करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व हेयर्स ऑफ पावर आर डेवलप बाय इमोशन दिस वाज सेड बाय रिजर्व हेयर्स ऑफ पावर एनर्जी आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जीज आते हैं ना वो कैसे डेवलप्ड होते है इमोशंस के थ्रू डेवलप्ट होते है ये किसने बोला था ये जेम्स ने बोला था Okay, according to James, reservoir of the power are developed by emotions. Right, then, nextly, an emotion arises abruptly but सबसाइड्स डैश मतलब इमोशन uh, कभी भी एराइज अगर होता है तो वो uh, आ जाता है मन में फ्रिक्वेंटली आ ही जाता है बट सब्साइड मतलब धीरे धीरे कमता है अगर वो कैसे कमेगा ग्रेजुअली वो धीरे धीरे खत्म होता है या फिर एंडिंग की तरफ चलता है सो दिस इंक्लूड्स दैट ऑप्शन नंबर सी और आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इमोशन वॉज क्लासीफाइड बाई डैश क्लासीफाइड किसने किया दैट इज रॉबर्ट ब्रिज ने रॉबर्ट ब्रिज ने मैंने डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता रही हूँ बिकॉज प्रैक्टिस के लिए ये इंपॉर्टेंट है हम टाइम टेकिंग नहीं करके प्रैक्टिस करें इसका कोई रीजन नहीं कर सकते तो इमोशन जो टर्म था इसको किसने डिस्कवर किया था इमोशन वॉज क्लासिफाइड मतलब टर्म्स के साथ जो उसका क्लासिफिकेशन आया था इमोशन का क्लासिफिकेशन है पॉजिटिव इमोशन नेगेटिव इमोशन पॉजिटिविटी में अगेन आएगा जॉय हैप्पीनेस वो सारे एंड नेगेटिव में फियर हो गया एंगरनेस uh, हो गया या एंग्री हो गया एंग्री नेचर दीज आर नेगेटिव वन सो रॉबर्ट ब्रिजेस ने इसको डिस्कवर किया था क्लासीफाइड किया था आफ्टर दैट नेक्स्ट को चलते हैं द लेटर चाइल्ड हुड इज़ ऑल्सो नोन एज डैस लेटर चाइल्ड हुड को लेट और लेट पीरियड चाइल्ड हुड के टू पीरियड्स हैं यू नो दैट वेरी वेल दैट इज़ टू पीरियड्स है एक है अर्ली चाइल्ड हुड दैट इज़ अर्ली चाइल्ड हुड ठीक है और एक हो गया लेटर चाइल्डहुड और लेट चाइल्ड हुड लेटर चाइल्ड हुड और लेट चाइल्ड हुड ओके सो अर्ली पीरियड में क्या होता है कंटिन्यूसली बच्चा एबजॉर्ब uh, करता है दैट इज क्यूरियस होता है एंड लेटर चाइल्ड हुड में बच्चा स्पॉन्टिनियटी शो so करता है स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टीन शो करता है मतलब उसके अंदर जो भी होता है स्पॉन्टेनियस वे में होता है सो एज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ये तो बचपन से ही है गैंग एज आपको लेटर चाइल्डहुड पीरियड को भी हम लोग गैंग एज बोलते मेंशन किया जाता है बट सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज अ मेंशन है एज ऑफ स्पॉन्टिनिटी एज ऑफ स्पॉन्टीनिटी गैंग एज से पहले अगर एज ऑफ स्पॉन्टीनिटी ना होता तो हम गैंग एज को मेंशन करते हैं टू अचीव लैंग्वेज कम्पिटेंसी वन हैज टू एक्वायर एबिलिटी इन डैश लैंग्वेज कम्पिटेंसी को इंक्रीज करने के लिए एक uh, इंसान या वन हैज़ टू एक्वायर एबिलिटी इन डैश क्या करना चाहिए कौन से एबिलिटी को एक्वायर करना चाहिए लेना चाहिए दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग

वन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ स्टोरी टेलिंग मैथड स्टोरी टेलिंग मैथड का क्या एडवांटेजेस हैं सो दैट इज डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट्स इमेंस इंटरेस्ट प्रोमोट्स एकेडमिक वर्क एनेबल टू एनेबल्स टू डिस्कवर फैक्ट्स तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको रिमेंबर करना है कि ये इंटरेस्ट इंक्रीज करता है इससे कोई भी डिस्कवर नहीं कर सकते फैक्ट्स को बिकॉज आप फैक्ट्स को बता रहे हो क्रिटिकल थिंकिंग भी नहीं होता बिकॉज क्रिटिकल थिंकिंग में हम एक्सप्लोर करते हैं कोई एक आइडिया में खुद के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करते हैं एकेडेमिक वर्क भी बहुत ही स्लोली इसके थ्रू प्रोग्रेस होता है तो हम एडवांटेज के ये

कुड भी बेस्ट ऑट पाई दीरास्टिक होता है पूरा बियॉन्ड दी वर्ल्ड हम बोल सकते हैं जहाँ पे पूरे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से होता है तो हिरास्टिकॉपर एंसर फॉर दिस क्वेश्चन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट एक्ट एज एन इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे स्टूडेंट एक्ट कैसे करता है इन्वेस्टिगेश के जैसे तो लेक्चर मैथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ह्यूरास्टिक एंड डिस्कशन यहाँ पे बोला गया इन्वेस्टिगेशन सो डिस्कशन में नहीं होगा यूरास्टिक में भी नहीं होगा डेमोन्स्ट्रेशन में भी नहीं होगा तो लेक्चर मैथड इज अ करेक्ट वन बिकॉज यहाँ पे लेक्चर जो रहता है इन्वेस्टिगेशन करता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाता है देन नेक्स्ट आ गया टीचिंग लर्निंग मैटेरियल शुड बी यूज टू डैक्स मेक टीचिंग मोर यूजफुल मेक टीचिंग इम्प्रेसिव प्रोवाइड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल फैसिलिटेड लर्निंग टीचिंग लर्निंग मेटीरियल टीएलएम मैटेरियल को हमें यूज करना चाहिए क्यों यूज करना चाहिए मेक टीचिंग मोर यूजफुल या फिर मेक टीचिंग इम्प्रेसिव और बोल सकते हैं यहाँ पे फैसिलिटेड लर्निंग ऑलवेज टी एल एम मैटेरियल एक ही काम करता है कि यूजफुल ये सारे पॉइंट्स करेक्ट है बट दिस वन इज़ द परफेक्ट वन बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी देता है बच्चों को अपॉर्चुनिटी कि उनको सक्सेसफुल उनके लाइफ में हो सके या फिर सक्सेस मिले उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है या फैसिलिटेट करता है वेरियस अपॉर्चुनिटीज को एट अ टाइम सो दैट ये इंपॉर्टेंट वन है देन नेक्स्ट चलते हैं Children coming from the families of first generation learner should be das. जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम दी फैमिली फैमिली से जो बिलोंग करते हैं तो उनका क्या होना चाहिए कैसा हो रहेगा सेंट टू स्पेशल स्कूल एजुकेट इन रेगुलर स्कूल्स मेट टू रिपीट द क्लास ग्रुप टुगेदर इन क्लास एक्टिविटीज यहाँ पे आपका हो जाएगा एजुकेट इन रेगुलर स्कूल रेगुलर स्कूल्स में उनको पढ़ाना चाहिए फर्स्ट जनरेशन जो लर्नर है जहाँ पे बच्चे बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं तो उनको रेगुलर स्कूल्स में भी भेजने से पढ़ाई को अच्छे से समझ पाएंगे स्पेशल स्कूल्स नहीं चाहिए रिपीट वाला क्लासेस जिनका आई लेवल कम होता है या फिर उनको इश्यूज होते हैं जस्ट लाइक डिसकैलकुलिया या डिसलेक्सिया uh, ये, ये सारे इश्यूज होते हैं उनको सेंट किया जाता है ग्रुप टुगेदर इन क्लास एक्टिविटीज ये सारे एक्टिविटीज के बेसिस पे तो दिस वन इज द करेक्ट वन नेक्स्ट चलते हैं Which one of the following is best suited for emotional development of children? बच्चों की emotional development के लिए ये best है कौन सा Democratic classroom environment, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टीचर एज इट इज द टास्क ऑफ द पेरेंट्स कंट्रोल क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑथरीटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑथरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट में बच्चा दब जाएगा वो एक्सप्लोर नहीं कर सकता नो इन्वॉल्वमेंट एम टीचर क्लासरूम में अगर टीचर का इन्वॉल्वमेंट uh, नहीं होगा पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो करेक्ट नहीं होगा कंट्रोल क्लासरूम में बच्चा कोई एक्सप्लोर नहीं कर सकता बट डेमोक्रेटिक क्लासरूम में बच्चा uh, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर, एक कर सकता है एक दूसरे से शेयर कर सकता है तो दिस वन इज द करेक्ट वन यहाँ पे आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू डैश कंसिस्टेंट थिंकिंग मेमोरी बेस्ड थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग सो ये जो थिंकिंग है ये होता है वन टू मेनी पॉइंट पे जाता है आउट ऑफ द बॉक्स मतलब अपने जोन से बाहर निकल के सोचना दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स सो आप एक पॉइंट में हो एंड पॉइंट से आप बाहर निकल रहे हो दैट इज पॉइंट से आप बाहर निकल रहे हो आउट हो रो ठीक है आउट होके आपने कुछ सोचा अपने जोन से अलग कुछ सोचा तो दैट इज अ डाइवर्जेंट थिंकिंग एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग ओके राइट देन नेक्स्ट

एंड अडेप्टिंग द एन्वायरमेंट तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले देखते फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचेंगे हुच ऑफ दी हुच ऑफ दिस ड्लाय प्रकल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को किसी ने यूज नहीं किया कौन से लेवल पर दैट इज थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वनसल ओनली तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा बाकी सब में रिसेपिंग द एन्रमेंट सोचना पड़ता है इसको भी सोचना पड़ता है एंड लास्ट वन एडेप्टन के लिए भी सोचना पड़ता है कि एडेप्टिंग टू एनवायरमेंट सो नेक्स्ट चलते हैं ये जो कंसेप्ट था स्टानबर्ग का कंसेप्ट है रॉबर्ट स्टानबर्ग फॉर्मुलेटर द टार्कि ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट इज कॉग्निटिव अप्रोच एंड उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिया गया है बट uh, जहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि यहाँ पे थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ वन सो ये चीज़ को हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में नहीं डालेंगे बिकॉज ऑलरेडी प्रैक्टिकली हम सोच चुके हैं तो फिर से कैसे डाल सकते हैं तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं ये टीचर कलेक्ट्स एंड रेट्स वर्क ऑफ द क्लास एंड देन प्लान्स एंड एडजस्ट अर नेक्स्ट लेशन टू मेट स्टूडेंट्स नीड एक टीचर ने कलेक्ट किया रीड किया वर्क ऑफ द क्लास पूरे क्लास के जो वर्क है उसको एंड देन प्लान किया एंड एडजस्ट किया नेक्स्ट लेसन को कैसे करे टू मेट द सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट और स्टूडेंट्स नीड तो ही और शी इज़ डूइंग एसेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एट लर्निंग सो यहाँ पे बच्चों के लिए उन्होंने एसेस्ट किया दैट इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ भी हो तो दैट इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग मतलब लर्निंग को हम

बिलीवस इन सोशल कंस्ट्रक्टिविज थ्योरी जो कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में बिलीव करते हैं किसके न ले बाई की के ले बाई की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्टिविस्ट थे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जिन्होंने सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट किया था एंड सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट किया मीन्स उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताया एंड वहाँ पे चार पॉइंट्स उन्होंने बोला था एक हो गया प्ले के अकॉर्डिंग इं, इंट्रैक्टिव प्ले दैन uh, हो गया जहाँ पे प्ले मीन्स सोशल रोल्स को हम लर्न करते हैं फ्रॉम ईच अदर बाय प्लेइंग टूगेदर दैन मेक नॉलेजेबल अदर एम के ओ जहाँ पे आ, हम अपने नॉलेज को इनपुट करते हैं आ, कोई भी दूसरे पर्सन को डेटा या इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए थर्ड वन इज जस्ट लाइक लैंग्वेज लैंग्वेज uh, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कल्चरल इंटीग्रेशन करता है सोसाइटी के कंटेक्ट के अकॉर्डिंग एंड लास्ट वन इज़ जेड पी डी देट इज़ अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इफ़ यू डिड गेट योर प्रॉब्लम सोल्यूशन दैन यू नीड ए हेल्प ऑफ एल्डर्स और नॉलेजबल पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू दिस नॉलेजबल पर्सन इफ यू डिड दिस वर्क प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू हिज और हेल्प देन इट इज़ कॉल्ड जेड पी डी इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या आप अगर कोई काम को कर नहीं पा रहे हैं एंड आपके पास नॉलेज नहीं है एंड उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एल्डर uh, uh, और uh, जो भी नॉलेजेबल पर्सन है उसका हेल्प ले रहे हो तो इसको जेड पी डी बोलते हैं तो इसी के बेसिस यहां पे यहाँ पे देखिए क्या है ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा फैक्ट बेस रिकॉल क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड वुड यू प्रीफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स सो यहाँ पे एक साथ जब सोसाइटी का बात आ जाए ना सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट और इट इज कॉल्ड सोशल कल्चरल थ्योरी सो उसके अकॉर्डिंग याद रखना कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होगा स्टैंडर्डाइज में कुछ रूल्स फिक्स्ड हो जाते हैं फैक्ट बेड रिकॉल क्वेश्चन इसमें कुछ हेल्पफुल नहीं होगा

मार्क के अकॉर्डिंग हैव यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड वेज ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट जज करने के लिए पर्टिकुलर एक पॉइंट को हम नहीं पर कर सकते हैं और यूनिफॉर्मिटी भी नहीं रख सकते एंगेज इन ए डायलॉग विथ स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देर पर्स्पेक्टिव हम कोई भी एंगेज uh, कर सकते हैं बच्चों को डायलॉग गिविंग में या फिर बच्चों को एक टॉपिक दे देंगे उसके ऊपर वो अपना वैल्यूज को बताएंगे अपने पॉइंट uh, uh, को बताएंगे ये होता है बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंस में इंडिविजुअल बच्चे हैं जो अपने पॉइंट्स को रखते हैं तो दिस वन इज करेक्ट क्या? जो जो डिक्टेशन करता करता है, जो होता है है है, होता मतलब परमिशन देता गिवर फैसिलिटेटिव. तो ऑलवेज याद रखिएगा uh, कि एक टीचर को फैसिलिटेटर होना चाहिए तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा तो फैसिलिटेटिव लास्ट वन इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रेन नीड्स इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन जो बच्चों को स्पेशल नीड चाहिए उनको इंक्लूड करो इट इज़ एन अनरियलिस्टिक गोल इट इज डेट्रामेंटल टू अ चिल्ड्रन विदाउट डिजाबिलिटीज विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल्स रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड कंटेंट अप्रोच टू टीचिंग जब हम बच्चों को स्पेशल नीड बच्चों को इंक्लूड करते हैं तो उनके लिए ये अनरियालिस्टिक गोल तो है नहीं उनके डिजाबिलिटीज को छोड़ के हम बात नहीं कर सकते उनके ऊपर बर्डन हम क्रिएट नहीं कर सकते क्या स्कूल के ऊपर भी हम बर्डन नहीं दे रहे हैं ये लोग बर्डन नहीं क्रिएट करते स्कूल्स के ऊपर इनके लिए जो हमारा एटीट्यूड रहता है या टीचिंग का एटीट्यूड है कंटेंट है अप्रोच है उसको चेंज करना चाहिए सो so, ये हो गया आपका राइट आंसर ठीक है दिस वन इज द राइट आंसर एंड ये हमारा चैनल है थैंक से लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अच्छा वैसे ये प्लीज शेयर कर दो सबके साथ uh, मैं बहुत ही ट्राई करी हूँ आप लोगों को हर एक पॉइंट्स को बताने के लिए कर दो अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन के साथ एंड जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके उसको भी ये कर दो एंड और एक बायोलॉजिकल ज्ञान हमारा चैनल है जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश ग्रामर थोड़ा क्विक रिविजन करना चाहते हो या फिर वहाँ पर बेसिक फैक्ट्स आ रहे बायोलॉजी के बेसिस पे जो कि आप प्रिपरेशन नहीं ले पा रहे हो आपके एग्जाम्स के बेसिस पे तो वहाँ पर शॉर्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है हाँ कुछ वीडियोज़ ऐसे हैं जैसे कि सी के लिए है पी जी एंट्रांस के लिए शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो वो सारे बहुत आपको अभी भी हेल्पफुल होंगे बिकॉज मैंने भी खुद वही पढ़ा है एंड उसे मेरा सब कुछ क्लियर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि उसको भी आप चेक करें एंड सब्सक्राइब कर दो वो भी थोड़ा ग्रो करें हमारे साथ सो so, हेल्पफुल हो जाएगा मुझे भी एंड आपको भी थैंक यू सो मच स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय